नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के बाद ममता बनर्जी भी वीरभूमि में करेंगी रैली। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी ने अर्जुन रामपाल से दूसरी बार पूछताछ की। ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। बहरहाल, शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने वाले मौके पर कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। दुनिया भर में अपनी तालीम के लिए मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU आज 100 साल की हो गई। यूनिवर्सिटी बनाने वाले सर सैयद में एक अलग ही जुनून था। उन्होंने पैसा जुटाने के लिए तवायफों के कोठे से चंदा लिया। खुद लैला मजनू के नाटक में लैला बनकर मंच पर उतर आए थे। ऐसे ही कई वाक्यों के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास बड़ा ही रोचक है। आज आधी रात से ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक लगेगी रोक। इससे पहले पहुंचने वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट होगा। जम्मू कश्मीर में 280 जिला विकास परिषद यानी कि DDC चुनाव की काउंटिंग जारी। यहां पहली बार 8 फेज में चुनाव कराए गए थे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल और BJP के बीच लड़ाई हर दिन बढ़ती जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह के 2 दिन का बंगाल दौरा खत्म होने के अगले ही दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह के सवालों पर ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता है और मैं उनके सवालों का जवाब कल दूंगी। वे बोली कि BJP चीटिंगबाज पार्टी है, राजनीति के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वहीं ममता बनर्जी ने 29 दिसंबर को वीरभूमि में रैली करने का ऐलान भी किया है। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल जारी है। नेताओं के BJP ज्वाइन करने के बीच सोमवार को विष्णुपुर लोकसभा सीट से BJP सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कुछ ही देर बाद सांसद सौमित्र ने सुजाता को तलाक का नोटिस भेज दिया। इधर सुजाता ने कहा कि BJP की डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है और तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 26वें दिन भी रहा जारी। किसानों ने सोमवार से भूख हड़ताल शुरू की थी। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर जारी प्रदर्शन में 11-11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। 24 घंटे बाद दूसरे 11 किसान इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इधर रविवार को किसानों ने हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री करने का ऐलान किया। इसके 5 घंटे बाद ही सरकार ने बातचीत के न्योते की चिट्ठी भेज दी। इसमें तारीख तय करने के लिए किसानों से कहा गया था। किसान आज इस पर फैसला ले सकते हैं। शेयर बाजार में सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। BSE सेंसेक्स दोपहर को 2037.61 अंकों की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर यानी कि 44,923.08 अंक पर पहुंच गया। हालांकि मार्केट क्लोजिंग के समय इंडेक्स 1,406 अंक नीचे जबकि 45,553.96 पर बंद हुआ। इससे पहले 4 मई को सेंसेक्स 2002 अंक टूटकर 31,715 पर बंद हुआ था। सोमवार को BSE का टोटल मार्केट कैम 178.79 लाख करोड़ रुपए रहा जो शुक्रवार को 185.36 लाख करोड़ रुपए थे। यानी टोटल मार्केट 6.57 लाख करोड़ रुपए घट गया। कोरोना से जहां एक तरफ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं कुछ मुस्लिम देशों ने इसकी वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल वैक्सीन को स्टेबलाइज करने के लिए सुअरों यानी कि पोर्क से मिलने वाले जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। इसके जरिए स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में वैक्सीन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस बनती जा रही है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब यही बात इस्लामिक देशों को खटक रही है और इनका कहना है कि इस्लाम में पोर्क यानी सुअर और उनसे बनी सभी चीजें प्रतिबंधित है, ये हराम माना जाता है। इसीलिए इसके इस्तेमाल से बनी वैक्सीन भी इस्लामिक लॉ के मुताबिक हराम है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद बनी स्थिति को देखते हुए सरकार ने ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने का फैसला किया है। ये वैन 22 दिसंबर रात 11:59 से 31 दिसंबर रात 11:59 तक रहेगा। जो लोग आधी रात से पहले तक
ब्रिटेन की फ्लाइट से भारत पहुंचेंगे, उनका एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। ब्रिटेन में मिले वायरस के नए स्ट्रेन को VUI 2020-12-1 नाम दिया गया है। आशंका है कि ये पहले वाले कोरोना वायरस से 70% ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला है। अब ये भी सुन लीजिए, किसे लगवाना चाहिए कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं है, ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर होगा। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि कोरोना से बचने के लिए और अपने परिवार को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों को और कोवर्कर्स में इसका प्रसार रोकने के लिए वैक्सीन लगानी चाहिए। लेकिन जो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुके हैं, क्या उन्हें भी वैक्सीन लगानी चाहिए? क्या बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगानी चाहिए? ऐसे कई सवालों के जवाब आप हमारी अगली रिपोर्ट में देखिएगा। बॉलीवुड ड्रग्स केस में अर्जुन रामपाल से पूछताछ। एक्टर अर्जुन रामपाल से सोमवार को एनसीबी टीम ने 6 घंटे तक पूछताछ की है। इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें पूछताछ के लिए 16 दिसंबर को तलब किया। हालांकि निजी कारणों का हवाला देते हुए अभिनेता ने जांच एजेंसीज से 21 दिसंबर तक का समय मांगा था। रामपाल के घर से जब्त इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की रिपोर्ट आने के बाद एनसीबी ने उन्हें दूसरी बार तलब किया है। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर 9 नवंबर को छापा मारा था। उनकी गर्लफ्रेंड ग्रेविएला डेमेट्रियाडेस और ड्राइवर से भी पूछताछ की गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन। कांग्रेस के दिग्गज नेता थे मोतीलाल वोरा, 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 2000 से 2018 तक 18 साल तक पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। मोतीलाल वोरा ने 20 दिसंबर में ही अपना 93वां जन्मदिन मनाया था, यानी उसके एक दिन बाद उनका निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे दुर्ग में होगा। पार्थिव शरीर आज सुबह 10 बजे से दिल्ली से रायपुर के लिए निकल गया। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार से सभी नगर निगम वाले इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। राज्य में 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस में म्यूटेशन मिलने के बाद कई देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस बीच ब्रिटेन से निकलने के लिए रविवार को लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ देखने को मिली। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर फिर से 3 लाख से कम हो सकती है। इसके पहले 11 जुलाई को 2,91,000 एक्टिव केस मरीज थे, मतलब 163 दिन बाद 3 लाख से कम एक्टिव मरीज रह जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों की मतगणना आज जारी है। देखना है किसके भाग्य का उदय जम्मू कश्मीर में हो रहा है। वोटों की गिनती सुबह 9 बजे से हो रही है सभी जिलों में। अनुच्छेद 370 यानी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार वोटिंग हुई जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह गलत साइड से आ रहे एक टैंकर की टक्कर के बाद कार में लगी आग। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक कार में 5 लोग सवार थे जिनकी जलकर मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी थे। टक्कर के बाद आग कुछ ही देर में आग के गोले में तब्दील हो गई और उसमें बैठे लोगों को बाहर निकलने का समय नहीं मिल पाया। इस दर्दनाक घटना के चश्मदीद ने कहा कि कार में आग लगने के बाद उन्होंने अंदर फंसे बच्चे को निकालने की कोशिश की लेकिन वो निकाल नहीं पाई। पूरी कार अचानक आग का गोला बन चुकी थी। जल्दी कार में से लोग चीख रहे थे कि हमें बचा लो, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। कार तुरंत ही आग का गोला बन चुकी थी। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।